दोस्तों, देश की अन्य योजनाओं की तरह ही पीएम किसान स्कीम पर भी बेमानों की नज़र लगी है। सरकार ने पीएम किसान स्कीम बनाई थी तो साफ कर दिया था कि किसको किस जी हाँ इसके तहत पैसा मिलेगा, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि बहुत से ऐसे लोग भी इस स्कीम में पैसा ले रहे हैं जो पात्र नहीं हैं। लगातार आ रही ऐसी शिकायतों के बाद अब केंद्र सरकार ने इसे रोकने का कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्यों से भी मदद मांगी है। उम्मीद है कि जल्दी ही उन लोगों को पकड़ लिया जाएगा जो पात्र नहीं होने के बाद भी पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे हैं। पीएम किसान योजना के नियमों में साफ साफ लिखा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी पीएम किसान योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार के रिटायर कर्मचारी भी इस योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। लेकिन शिकायतों में सामने आ रहा है कि ऐसे ढेर सारे कर्मचारी और रिटायर लोग पीएम किसान योजना का पैसा ले रहे हैं। अब सरकार इनको पकड़ने के ऑनलाइन सिस्टम बनाने जा रही है और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना में फर्जी तरीके से पैसे लेने वालों को पकड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर साथ में काम कर रही हैं।